जयपुर एक बेइंतहा खूबसूरत शहर है, पर उसकी खूबसूरती से भी ज्यादा वहाँ का खाना प्रसिद्ध है। आज की वीडियो में आपको जयपुर के बेहतरीन खाने से रूबरू कराता हूँ। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ का स्ट्रीट फूड ज्यादातर शाकाहारी होता है। So for Mihir and me, it's a perfect place to come and eat street food, क्योंकि हम दोनों शाकाहारी हैं, तो जैन है तो ये तो बिल्कुल ही आलू भी नहीं खाते। खाते हो तुम? बिल्कुल नहीं खाता। इट्स एक्चुअली अ क्यूरेटेड एक्सपीरियंस जो Airbnb प्रोवाइड करता है। पहली बार मैं जिंदगी में एक्चुअली कोई Airbnb एक्सपीरियंस ट्राई कर रहा हूँ, सो लेट्स सी हाउ दिस गोस। हमारी फूड वॉक की शुरुआत यहाँ के आइकॉनिक राज मंदिर थिएटर से हुई। ओके, सो ये है जयपुर की फेमस प्याज कचौड़ी जो मिहिर दबा के खा रहे हैं, एंड आई एम गोना ट्राई इट नाउ। बहुत ही जबरदस्त खस्ता है। चटनी, मैं थोड़ी सी मीठी चटनी भी लेने वाला हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। और ये शॉप है जिसमें हम लोग खा रहे हैं कचौड़ी, इसका नाम है नरसिंह। दिस इज राइट ऑन द मिर्जा इस्माइल रोड और MI रोड एज इट्स फेमसली नोन इन जयपुर। तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है राम नमकीन भंडार, और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फेमस और बहुत ही यूनिक जयपुर की स्पेशलिटी जो हम ट्राई करने वाले हैं। सो दिस इज मिर्ची वड़ा, और मिर्ची वड़ा सिर्फ मिर्ची वड़े की तरह नहीं खाते, उसमें एक्चुअली कड़ी डालते हैं, विच इज वॉट डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम एनी अदर प्लेस। ये 1970 में स्टार्ट हुई थी, सो इट्स क्वाइट एन ओल्ड प्लेस। क्या हो रहा है ना कि क्योंकि आपने इसमें ये थोड़ा सा डाल रखा है कड़ी को, तो थोड़ा टैंगी टेस्ट आ रहा है, विच इज वॉट आई थिंक इज वेरी डिफरेंट यूनिक अबाउट दिस। वेरी नाइस मिर्ची वड़ा। इट्स अ लॉट ऑफ फन वॉकिंग अराउंड ऑन द स्ट्रीट्स, क्योंकि हम लोग काफी अच्छी तरह से जयपुर को देख पा रहे हैं। आई होप हम कुछ मीठा भी खा रहे हो, क्योंकि कुछ मीठा खा रहे हैं। हाँ, अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं लस्सी लेने के लिए, तो जो गर्मी हो रही है आगे मौसम में ठंडक हो जाएगी और कुछ मीठा भी जाएगा अंदर। तो So as promised, next we are doing lassi. But before that, look at that light behind me. So gorgeous. इस खूबसूरत लाइट के साथ अभी हम यहाँ की सबसे पुरानी लस्सी शॉप में जा रहे हैं। इसका लस्सी वाला 1944 से इसी जगह पर है। Hopefully it will kind of soothe us and also cool us down. So time to try out the lassi now. आधी लस्सी पी रहे हैं क्योंकि it looks quite heavy and big. Really reminds me of the kind of lassi we used to drink at home when we were kids. So another thing to keep in mind is ki yahan pe bahut sare lassi wale hain jinka naam lassi wala hi hai. Basically ek hi family se hai par abhi alag alag shops ban gayi hain. So you have to look out for the shop which says since 1944. That is the oldest one and the original source. So yeah, that's my pro tip for today. In case you are wondering कि इस रोड का नाम मिर्जा इस्माइल रोड क्यों और कुछ और क्यों नहीं है, सो बेसिकली ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस होल नेबरहुड, और इसीलिए इस जगह का नाम मिर्जा इस्माइल रोड है। द आर्किटेक्ट ऑफ जयपुर वॉज एक्चुअली अनदर गाय भट्टाचार्य, परंतु ये एरिया मिर्जा इस्माइल जी के नाम पे विख्यात है। See right behind me is called the Sanganeri Gate, क्योंकि ये सांगानेर विलेज से आता है ये रास्ता। बेसिकली वहाँ पे हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग होता है। ऑफ कोर्स वी आर नॉट सीइंग ऑल द गेट्स टुडे, बट वी आर ट्राइंग टू टच अ लिटिल बिट ऑफ ओल्ड जयपुर टुनाइट। So I've just randomly walked into one of the sari shops here. It's called Shipra Sarees. Badi sundar si colorful si shop hai. Kaun si sari sabse famous hai aapke? Yahan par ek traditional bandage. Main ek wo janta hu lehriya sari hoti hai. Wo bhi hoti hai idhar. So ye bandi sari hai. Ji sir. Ye Jaipuri typical hota hai. So for absolutely no good reason hum log is shop mein aa gaye saadiyan dekhne ke liye. Aur abhi hum shirt select kar rahe apne liye, Mihir aur main dono. But this looks so nice. I love it. तो हमने बिना किसी negotiation के ये shirt खरीद लिया है और सब लोग हमें कह रहे हैं कि सही price है एकदम। So for chai, again we have come to an old historical, really old school Jaipur shop. It's called Sahu Restaurant. ये 1968 में established हुआ था और तब से अभी तक चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ की चाय बहुत स्वादिष्ट होती है। तो अभी हम चाय पीने वाले हैं।
तो मुझे बता रहे हैं कि इनके पास एक मसाला है जिसकी रेसिपी बिल्कुल सीक्रेट है, गुप्त है। वो 1968 से है और उसी मसाले के साथ चाय बनाई जाती है, तो पुराना टेस्ट मिलता है और अच्छी चाय मिलती है जो कहीं और नहीं मिलेगी। सो एक चाय पिलाइए कुल्हड़ में। प्लान तो मेरा था कि मैं थोड़ी सी चाय पीऊंगा, पर लग रहा है कुल्हड़ भर की चाय मिलेगी। पर चाय लव बढ़िया चाय। सो अभी नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं जयपुर की फेमस नमकीन गली में। तो बेसिकली जयपुर काफी फेमस है नमकीनों के लिए। यहाँ तरह तरह की भिन्न भिन्न तरह की नमकीनें मिलती हैं। उनमें से एक है जो काफी फेमस है, विच इज द सेब। तो अभी हम सेब फ्राई करते हैं। वी आर इन दिस शॉप कॉल यूपी नमकीन। ये 55 साल पुरानी नमकीन है। ये 55 साल पुरानी नमकीन की दुकान है, मोंटी जी बता रहे हैं मुझे। इसका नाम यूपी है, मतलब हमारे यहाँ से है। मार्केट में घूमते घूमते ही हमें गरबे की आवाज सुनाई दी और उसके बाद हमने थोड़ी देर गरबे का भी आनंद लिया। सो इवन बिफोर वी स्टार्ट आवर डिनर टुडे, हम लोग आ गए अपने डिजर्ट के लिए। दिस इज कॉल्ड जीसी डेरी। ये एक्चुअली डिजर्ट प्लेस है। यहाँ काफी स्वादिष्ट हिंदुस्तानी व्यंजन मिलते हैं। ये बेसिकली केसर पिस्ता मक्खन है जो कि हम लोग हाथ से पिलोना करके इस मक्खन को बनाते हैं। मतलब प्योर वाइट बटर निकलता है जो पहले गाँव में बनाया करते थे, उसी पैटर्न से हम आज भी इसे बनाते हैं। और इसमें केसर पिस्ता और इलायची हमने इसमें मिक्सचर बनाया, तो ये केसर पिस्ता मक्खन है। अनफॉर्चुनेटली उस शाम हम सम्राट नहीं जा पाए और इसलिए हम वहाँ अगली सुबह पहुँच गए। सो सुप्रभात फ्रॉम जयपुर। आज हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ की एक बहुत ही आइकॉनिक फूड प्लेस से। वी हैव कम टू दिस प्लेस कॉल्ड सम्राट और यहाँ पे सुबह सुबह 7 बजे चाय पियेंगे और साथ में कुछ नाश्ता करेंगे। वी हैव कचौड़ी समोसा एंड सम चाय। जयपुर जाकर अगर आप LMB ना जाएं तो नाइंसाफी होगी। वहाँ की मिठाई और खाना दोनों ही बेहद स्वादिष्ट हैं। So as per the menu card right in front of me, it says traditional halwais since 1727. ये initially मिठाई की दुकान थी, तो यहाँ की मिठाइयाँ बहुत famous हैं। मैं भी यहाँ पे 2 बार पहले आ चुका हूँ, मैंने सिर्फ मिठाइयाँ खाई हैं। But now I see this place as a proper restaurant. तो हम लोग यहाँ नाश्ता वाश्ता करने वाले हैं और दबा के मिठाइयाँ भी खाने वाले हैं। मीर और मैं both of us love मिठाइस, तो plan is to gain 10 kgs and burn it all in the day by walking around. I'm not quite sure if this is the right way of eating this, but मैंने यहाँ देखा कि कचौड़ी के अंदर लोग चटनी फिल कर देते हैं। यहाँ मीठी चटनी कम खाते हैं, ग्रीन चटनी हमेशा मिलती है। आज अच्छी बात है यहाँ पे इमली की चटनी भी है, तो फिल कचौड़ी। ये प्याज कचौड़ी है, दाल भी होती है इसमें साथ में। एंड दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी इन द सिटी ईट्स ऑल द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, सो वेरी जयपुरी ब्रेकफास्ट। शाम को मेरा जयपुर का ही दोस्त RJ मुझे यहाँ के एक और आइकॉनिक चाय और मस्का बन के अड्डे पे भी ले गया। तो चाय के लिए हमारे भाई साहब बहुत ही पर्टिकुलर है। वी हैव कम रियली फार अवे, आधा घंटा राइड करके टू हैव चाय। हम गुलाब जी के यहाँ, गुलाब जी चाय वालों के यहाँ, क्योंकि यहाँ की चाय बेहतरीन है और इनकी फेवरेट है। यस, तो हमने इसके पहले साहू की चाय पी है, विच RJ इज नॉट अ बिग फैन ऑफ, तो वो मुझे यहाँ पे लेके आया बिकॉज दिस इज बेटर। तो अभी नेक्स्ट ट्राई करते हैं गुलाब जी की चाय। डिनर के लिए हम लोग एक स्पेशल जगह पे आए हैं जो RJ जी की रिकमेंडेड है। कहाँ है हम लोग? महावीर रबड़ी। रबड़ी में क्या खाने हैं हम लोग? रबड़ी में यहाँ पे मिलेगी सर अपन को बेलर की रोटी, आलू प्याज पनीर की सब्जी और लहसुन की चटनी और छाछ। अच्छा, तो उसके बाद अगर आपको मीठा खाना है तो यहाँ पे केसर की लच्छेदार रबड़ी मिलती है, इनकी बहुत फेमस है। और यहाँ बहुत सारी एक ही नाम से शॉप्स हैं। So you just drive in into this gully and it's the shop, the last shop on the right hand side. So हमारे साथ अनमोल जी भी हैं, जो इस शॉप के ओनर भी हैं। तो अनमोल हमें एक बात बताइए, मेरा दोस्त मुझे यहाँ पे लेके आया बोल के कि यहाँ बेजड़ की रोटी होती है, वो स्पेशल है। मुझे तो नाम भी नहीं पता है, वो क्या होता है? बेजड़ की रोटी होती क्या है? वो तीन आटों से बनी हुई रहती है। हाँ, मुझे भी नहीं पता कौन कौन से आटे, आपको नहीं पता? तो ज्वार, गेहूँ और चना।
सो ये है बेझड़ की रोटी और साथ में हम खा रहे हैं तीखी सी एक सब्जी है, ये गट्टे की सब्जी है और ये है प्याज और क्या, प्याज पनीर आलू, प्याज पनीर और आलू की सब्जी है और ये गट्टे की सब्जी है। काफ़ी मस्त है रोटी, आई लव द रोटी। और मिर्च के साथ ना साइज इतना बड़ा है रोटी का ना, इतनी बड़ी रोटी होती है, पूरी फैमिली और चार लोग एक साथ खा सकते हैं और मैं अकेला खाने वाला हूँ। तो हम डिज़र्ट के लिए यहाँ की बहुत फेमस मिठाई की दुकान में आए जिसका नाम है भगत, और यहाँ पे हम खाने आए थे दूध के लड्डू पर वो ख़त्म हो चुके हैं तो बस हम कुछ नहीं खाएंगे। ओ हमें हेलो कर रहे हैं, कहाँ गए कहाँ गया। तो दूध के लड्डू नहीं है तो फिर क्या खाए, चौकने लड्डू है ना, चौकनी है। बट यहाँ पहली बार आया हूँ, यहाँ से भगत के जो दूध के लड्डू है वो ज़्यादा फेमस है। क्या आप हमारे दर्शकों को कहेंगे कि वो यहाँ पे आके रसमलाई भी खाएं या नहीं? नहीं, लड्डू ट्राई करें बस, जो है नहीं ना पर। यस, कल सुबह आएंगे यहाँ से लेके जाएंगे लड्डू, सर को जरूर ट्राई कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये फूडी वीडियो देख के मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो YouTube पे भी इसको जरूर लाइक करें और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी, अभी के लिए अलविदा।